कोई भी भावना नहीं, हमारा कोई ये प्रदर्शन नहीं। हमारा प्रदर्शन सिर्फ सरकार की नीयत, सरकार की मंशा, सरकार की हमारे प्रति भावना सिर्फ, ये इनके लिए नहीं। जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जितने सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है सर, फर्स्ट ईयर इंट्रोडक्शन। आई एम एवीएस प्रसाद, रिटायर्ड मेरिट एक्सप्रेस गार्ड फ्रॉम तिरुपति एंड जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया रिटायर्ड रनिंग स्टाफ एसोसिएशन। व्हाट इज योर डिमांड्स? सी, वी आर ऑल रिटायर्ड रनिंग स्टाफ। रनिंग स्टाफ मीन्स वी आर एक्चुअली रनिंग ट्रेन्स एंड कीपिंग द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स इन व्यू। एंड वाइल इन सर्विस ऑल्सो वी हैव बीन पुट टू लॉट ऑफ ऑर्डेल्स बिकॉज इन द हैंड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाई नॉट फिक्सिंग अवर पे एंड अलाउंसेस विच आर एक्सक्लूसिव टू रनिंग स्टाफ। ईवन आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो we have not been given proper treatment. Our pension has been fixed low and the method which is given by pay commission is not followed by railway administration, and the parity of pension, that is equality of pension which has been given by pay commission, is denied by railway administration. That's why we have been compelled to come in the streets and stage this dharna with the demand parity in pension along with those who retired after 2016. Your demand government not accept? Definitely it is not accept. Government did not accept, and they have given reply also that their view and what they have given is final, and that we are not accepting because the final decision should be only on our, as per our demand, because it is not out of law, out of principle, out of any kind of that is directive. But they have violated, railway board has grossly violated the directives given by Ministry of Pensions, and they have framed their own laws, their own principles. Because of that we have been put to a great financial loss. So our demand is that our pension in parity should be restored, parity in pension should be restored. They have framed their own laws, their own principles. Because of that we have been put to a great financial loss. So our demand is that our pension in parity should be restored. Parity in pension should be restored. मैं एनी रेलवे से रिटायर्ड SNP यादव मेल गार्ड हूँ, और मैं ये 65th कमीशन के बाद रिटायर हुआ था। सर आज आपकी क्या डिमांड से केंद्र? हमारी डिमांड ये है कि पे कमीशन, 7th पे कमीशन ने ये दिया कि सारे जो रिटायर्ड स्टाफ हैं उनकी पेंशन भी उनके तरह से की जाएगी जो कि सर्विंग एम्प्लॉई है। सर्विंग एम्प्लॉई का जो पेंशन अभी आज होगा आफ्टर सेवन्थ पे कमीशन वही सेम फार्मूला उनके भी लिए भी लागू होगा जो 4th, 5th, 6th या 7th में रिटायर हुए हैं। लेकिन उसको लागू नहीं किया रेलवे ने, अभी रेलवे ने उसको पुराना हम लोगों का जो पेंशन दिया था पुराने फार्मूले पर उसी को रहने दिया, और उसमें जो चेंज होना चाहिए था जो पे कमीशन ने दिया था उसको माना नहीं। कब से आप लोग इस डिमांड्स को कर रहे हैं? इसको डिमांड तो हम लोगों का अभी तक पिछले मेरा ख्याल है कि जून में उन्होंने ये दिया था, डिनाई किया था। इसके पहले वो कह रहे थे कि अंडर कंसिडरेशन है, उसके पहले वो मानते थे कि अंडर कंसिडरेशन है, और इसके बाद सेवन्थ पे कमीशन के बाद एक वो डायरेक्टोरेट ऑफ पेंशंस, डायरेक्टोरेट ऑफ पे कमीशन ये बना था। डायरेक्टोरेट ऑफ पे कमीशन ने रनिंग स्टाफ के लिए भी वही वो फार्मूला दे दिया जो कि हम मांग रहे हैं। अगर ये डिमांड्स अभी भी नहीं सुनी जाती तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग कोर्ट में जाएंगे। यस। हाँ, मेरा नाम वेदपाल बड़गुजर, मैं उज्जैन वेस्टर्न रेलवे से रिटायर हुआ हूँ। साथ में सर, आपके साथ क्या ऐसी प्रॉब्लम्स आई है कि आप लोग को जंतर मंतर आना पड़ा? जंतर मंतर हमारे पास 90 साल तक की उम्र के लोग इसमें बैठे हैं, 80 साल के। सातवें पे कमीशन ने सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग आर्म फोर्सेज, डिफेंस पर्सन और सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की पेंशन तो 2016 के पहले जो रिटायर हुए थे उनकी पेंशन 2016 के बाद करने की रिकमेंडेशन थी। सरकार ने वो रिकमेंडेशन पूरी तरह मान कर सबकी पेंशन बराबर कर दी। सभी सेंट्रल गवर्नमेंट, चपरासी से लेके अफसर से लेके सभी आर्म फोर्सेज का, सभी सबकी बराबर है, सबकी बराबर कर दी। पहले जो रिटायर हो सबकी पेंशन बराबर कर दी बाद 16 के बाद वालों को। तो आप लोग अब क्या चाह रहे हैं? नहीं की तो ड्राइवर गार्ड की नहीं की
बल्कि जो हमारी जो पेंशन जो इन्होंने जो बनती है वो पेंशन से भी हमारी कम हो रही है, जो बन रही है उससे भी कम। उसके लिए हमने जितने भी संगठन हमें अपने जिस लेवल पे हमने अभी तक जो रिकॉग्नाइज्ड फेडरेशन रेलवे के हैं AIRF, NFIR और कैटेगरियल एसोसिएशन से, ऑल इंडिया गार्ड काउंसिल, ऑल इंडिया रिटायर्ड ये ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, भारत पेंशन समाज, हम सभी स्तर पे अपना रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, लेकिन हमारी डिमांड को अभी तक वो सॉर्ट नहीं कर पाए। ये हमारा AIRR से ऑल इंडिया रिटायर्ड रनिंग स्टाफ एसोसिएशन, ये हमारा संगठन बना ऑल इंडिया रिटायर्ड रनिंग स्टाफ एसोसिएशन। ये संगठन इसलिए बना क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो आगे तक रिप्रेजेंट ही नहीं हो पाई, और हम ये हमें पूरा यकीन है जिस दिन हम टेबल पे बैठ के हमारे साथ ऑफिसर्स की बात हो जाएगी, हमारी बात जिस दिन वो सुन लेंगे हमारी बात उनकी समझ में आ जाएगी। हम यहाँ पे आने का सिर्फ इतना ही है, हम अपनी आवाज़ सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारी जो डिमांड है वो डिमांड कोई अलग से नहीं कर रहे, पे कमीशन की रिकमेंड है, सरकार की मंशा है, सरकार देना चाहती है, लेकिन पता नहीं उसमें कौन ऊँचे लेवल पर नहीं है, बहुत छोटे लेवल पर उसको मिसमैनिपुलेट किया है। मिसमैनिपुलेशन की वजह से हमारी बात पूरी तरह से जो हमारे को मिलना चाहिए था वो हक हमारा नहीं मिला, ये डिमांड हमारी। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें।